आयोग ने अभी अभी एक पत्र जारी की है जिसमें स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ और वर्कशॉप, WPA और असाइनमेंट और एग्ज़ाम को लेकर यह इन्फॉर्मेशन है। यदि आप इन चारों चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिए। क्या है उस लेटर में, क्या है इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ का पूरा जानकारी हम आपको देने वाले, बशर्ते वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिए। उससे पहले आप सभी को वेलकम करना चाहेंगे, वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। हमारे डिजिटल क्लास में आप सभी को स्वागत है। यहाँ जो आज के टॉपिक्स में हम लोग बात करने वाले हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन, जिसको शॉर्ट में DLED भी कहते हैं, वैसे स्टूडेंट, वैसे कैंडिडेट जो NIF से कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही एक खास इन्फॉर्मेशन है। आज का यह इन्फॉर्मेशन जो हम आपके लिए लाए हैं, एक असाइनमेंट से रिलेटेड है, WBS से, SBS और एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो NIOS ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पत्र जारी किए हैं। तो उसी ऑफिशियल लेटर को हम लोग देखते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या है यह पत्र, क्या लिखे हैं इस पर। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ जो एक लेटर आपके पास यहाँ मौजूद है, इसमें वर्कशॉप आधारित गतिविधि का आयोजन तथा असाइनमेंट एवं स्कूल आधारित गतिविधि के अंक चढ़ाने चढ़ाने विषयक, मतलब कि जो WB है और असाइनमेंट है और स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ है, इनके नंबर को चढ़ाने को लेकर यहाँ पर इसकी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसमें लिखा है द्वितीय DLED कार्यक्रम की PCP सभी अध्ययन केंद्र पर संपन्न हो चुकी है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान PCP संपन्न कराने में संलग्न अध्ययन केंद्रों के समस्त समन्वयन, जो चीज़ यहाँ पर जो लिखे हैं, सुपरवाइजर है, जो भी चीज़ें, पूरा का पूरा के लिए धन्यवाद यहाँ पर दिया जा रहा है। फिर यह भी लिखा जा रहा है कि DLED जो प्रथम सत्र में जो कोर्स था, 501, 502, 503, 504, 505 शामिल है, मतलब एक साल का जो है फर्स्ट जो आपका दिया गया इसमें 1 से लेकर 5 तक दिया गया। अतः आपके द्वारा इन कोर्स के असाइनमेंट का मूल्यांकन कर लिया गया होगा, मतलब कहा जा रहा है कि जो भी नंबर बैठाने वाले हैं, पूरा का पूरा नंबर जो बैठा दिया गया, किस व्यक्ति को कितना देना है, किस व्यक्ति को कितना नहीं देना है। उसके बाद लिखा हुआ, साथ ही स्कूल आधारित गतिविधि भी संपन्न करवा ली गई होगी, मतलब स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ का जो था वो पूरा का पूरा जो है, मतलब यह भी कंप्लीट कर ली गई है। उसके बाद लिखे हुए यहाँ पर, इन दोनों गतिविधि के अंक चढ़ाने हेतु NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in में लिंक खोल दिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कोर्स कोड 501, 502, 503, 504, 505 के अंक तथा विद्यालय आधारित गतिविधि के अंक अपलोड करने का कष्ट करें। यह संपूर्ण कार्यवाही अनिवार्य रूप से 15 अप्रैल से पूर्व संपन्न करा ली जाए। आपके पास यदि स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज नहीं बनाए तो 15 तारीख तक लास्ट डेट, उसके बाद आप जमा भी कीजिएगा तो मैं भी आपसे नहीं लेंगे। इसीलिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर चले जाओ, वहाँ पर हमने सारा जो है बना के रखे हैं स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ का, जितने फाइल है पूरा का पूरा तीनों फाइल हम आपको कंप्लीट करके दे रहे हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपका जो डिजिटल क्लास का वेब स्टोर है, जिसमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ के जितने भी, यहाँ पर देख पा रहे हैं 511.1 का यहाँ पर है सोल्यूशन, जो चाइल्ड ऑफ केस स्टडी के बारे में कहा गया था। फिर यहाँ पर जो है आपका 511.2 का है, यहाँ पर पूरा नी पैटर्न के साथ, जैसे नी पैटर्न बताया गया उसी के हिसाब से, और 511.3 का यहाँ पर पड़ा हुए, यानी कि तीनों वो तीन जो फाइलें 511 में जो है, तीन फाइल स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ में, तीन फाइल, एक पहला फाइल, एक दूसरा फाइल, एक तीसरा फाइल, तीनों फाइल आपके डिजिटल क्लास वेब स्टोर में डाउनलोड है। सिंपली क्लिक करने के लिए जिसको चाहिए आप यहाँ पर ऐसे करके क्लिक करें, अब क्लिक करने के बाद अपना डिटेल को फिल करें। इसके साथ साथ भी यदि आप अपना असाइनमेंट को नहीं बनाए तो यहाँ पर असाइनमेंट भी है, 503 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लेसन प्लान 512 का भी है, पूरा का पूरा कंप्लीट फाइल है। तो जो चीज़ चाहिए सिंपली इस बटन को क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसके बाद नेक्स्ट का बटन को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं उसी तरह से यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप में सारा फिल कर दीजिएगा,
उसके थर्ड स्टेप में आपको चूज करने के लिए होंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी चीज़ है अपना चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आपका जो है कार्ड का नंबर डालना होगा, यहाँ पर एक्सपायरी डेट, सीसीवी नंबर, जो भी नंबर है यहाँ पर आपको डालनी। उसके नेक्स्ट स्टेप में जो है आपके पास जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो डाउनलोड का एक बटन आ जाएंगे, यहाँ पर जैसे सिंपली एक बार क्लिक करते हैं डाउनलोड, डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में सेव हो सकता है यह पीडीएफ फाइल, जो कि काफ़ी खूबसूरत पीडीएफ फाइल है। ठीक है, तो काफ़ी पीडीएफ जो खूबसूरत फाइल है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना असाइनमेंट को, अपना स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ को जमा कर सकते हैं, प्रिंट आउट करवा के सारा का सारा कंप्लीट फाइल फॉर्मेट दिया गया है। तो आई होप आपको पसंद लगा होगा हमारा स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ का जो फाइल है। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़े हुए, वहाँ से स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब चलते हैं हमारा नोटिस की ओर, जो ऑफिशियल नोटिस आए थे उसमें। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं वो लिखे हुए 511, 501, 502, 503, 504 जो है 15 अप्रैल तक जो है संपूर्ण मतलब करा लिया जाए। उक्त के अतिरिक्त अध्ययन केंद्रों पर 12 दिनों की कार्यशाला आधारित गतिविधि भी आयोजित की जानी है। उक्त कार्यशाला के आयोजन हेतु अध्ययन केंद्र के सम्मुख दो विकल्प प्रस्तुत हुए। प्रथम विकल्प 13 मई से 24 मई तक, मतलब कि एक जो होता है 13 से लेकर 24 मई तक होगा, और दूसरा जो है 1 जून से लेकर 12 जून तक दिया जाएगा। तो इन दोनों जून में, इन दोनों तारीख में कौन सा तारीख आपको पसंद है कमेंट लिखकर जरूर बताइए आप हमें। अब 13 तारीख से 24 तारीख बीच में करना चाहते हैं या 1 से लेकर 12 तारीख के बीच में, 1 से 1 जून से 12 जून के बीच में करना चाहते हैं, जो जितना डेट को करिएगा कमेंट उसके हिसाब से मैनेजमेंट के पास पहुंचेंगे। जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा उसके हिसाब से आपको डेट को दिया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए आपको कौन सा डेट चाहिए, तो कमेंट लिखना ना भूलें। फिर लिखिए अध्ययन केंद्र अपनी सुविधा अनुसार कोई एक विकल्प चयनित कर सकते हैं, यानी कि आप जितना कमेंट कीजिएगा हमें उसके हिसाब से आपका स्टडी सेंटर पर पहुंच जाएंगे, उसके हिसाब से ही आपको जो है रखे जाएंगे। तब आप हमें कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा 13 से 24 मई तक चाहिए या 1 जून से 12 जून तक चाहिए। उसके बाद लिखिए अध्ययन केंद्र स्थापित परिस्थितियों के अनुसार वर्कशॉप के शुरू होने का समय निर्धारित कर सकते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि अपने अकॉर्डिंग स्टडी सेंटर समय को निर्धारित खुद कर सकते हैं, किंतु प्रतिदिन सत्रों के आयोजन हेतु कुल निर्धारित समय के में कटौती नहीं की जा सकती है। साथ ही इसकी पूर्वानुमित जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक नोडल अधिकारी से ले ली जाए। इसकी सूचना क्षेत्रीय NIOs देहरादून को अवश्य दी जाए। यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है आपका नंबर है 501, 502, 503, 504, 505 का पूरा कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके साथ ही साथ 15 अप्रैल तक लास्ट डेट बोले गए हैं कि आप जो अपना स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, अभी WBA नहीं मांग रहे, ठीक है, 512 के लिए नहीं, 511 के लिए अभी सिर्फ है, 511 के लिए, 512 कुछ दिन के बाद में भी एक महीना का उसमें समय मिलेंगे, तो 512 का कंप्लीट फाइल भी हमारे पास है, अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल। कैसे करना है ये चीज़ आपको दिखा दें, तो आप हमें बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगा और आप किस तारीख को अपना WBA का क्लास करना चाहते हैं, 13 से लेकर 24 तक या 1 से लेकर 12 तारीख तक, 12 जून तक, तो हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं। आई होप ये वीडियो पसंद लगा, पसंद लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कोई एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, अपडेट के साथ।